उस दिन क्या हुआ कि हम लोग नहीं गए और सब कुछ रेडी होकर भी आप लोग मेरा साड़ी भी देखा था, पिंक कलर का साड़ी जो हम छठ में चढ़ाया था वही साड़ी हम उस दिन पहने थे छठ माँ के कृपा आशीर्वाद के लिए। हे गाइस, तो यहाँ देखिए ये आई है घर से और कितना अच्छा से रेडी हो रही है स्कूल जाने के लिए। तो अब लग रहा है कि छोटा बच्चा को तैयार कर रहे हैं हम लोग, अब ये जाएगी स्कूल। जाएगी ना पढ़ने, सब ड्रेस इसका कल कॉपी किताब सब खरीदा गया है, अब ये जाएगी स्कूल रोज। कल भी गई थी और इधर आ गई है मनीषा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी आ गए मम्मी से आशीर्वाद लेने। सब लोग रात भर जाग ही रह रहा है। खुश रहो। आके स्कूल से कपड़ा खोला जाएगा, ठीक है? जा कंघी ले, कंघी करो। इधर देखो, देखा है ना, फिटिंग आ रहा है। जा रही है स्कूल ना। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग। और बैग मिला है, ले आओ बैग, ले आओ अपना। तो हम लाए थे इसको घर पे, पढ़ना ही नहीं जा रहे थे, ये खाली घूम रहे थे इधर से इधर, सोचे कि लेके चले इसको पढ़ाने के लिए। एक तो अनुष्का उधर गई है तो वो पढ़ रही है, उसकी बहन है ये, तो अपने घर की बच्चा है सब, पढ़ लेगा तो अच्छा रहेगा। और अब विराट है तो विराट को भी देखेंगे कि क्या करना है, वो गाँव पर स्कूल खुलेगा तो उसमें जाएगा पढ़ने और रहेगा अपने पापा के साथ, थोड़ा सा हेल्प करता है उनका। यहाँ पर ला दी बैग, ले वो नीचे का जींस निकाल दो, निकाल के आओ। यहाँ पर देखिएगा इस कल इसका बैग आ गया है खरीद के, और खरीद के क्या हम लोग का स्कूल में था ना, वही सब होता है। देखिए यहाँ पे इसका इतना सारा बुक खरीदे हैं लोग, ये बुक कॉपी है, इसको कल पढ़ी भी है यहाँ, यहाँ कल मिला है वर्क बना भी लिए, साइन कराई है। ये वर्क नहीं कंप्लीट किए तो कर लिए, उसमें नहीं। यहाँ पे मिला था, ये भी कल का पढ़ाई है, पढ़ाई की है। यहाँ देखिए, और हम उसको बैठा के वर्क कंप्लीट करवाए हैं, तो अभी कुछ बाकी रह गया है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। यहाँ पे बुक सब मिला है उसको पढ़ने के लिए, टेबल है, कर्सिव राइटिंग, ये कर्सिव राइटिंग है। जीके का है, इतना छोटा बच्चा जीके पढ़ेगा, यूकेजी में हो गया है, नर्सरी एलकेजी। हाँ, रैम्स, ये रैम्स का मिला है, ये स्वरमाना इसमें लिखेगी, इसमें और बोलेगी। कितना सारा बुक है जी, सब ज्ञान है ये, तो ये सब बुक आया है। रैंक का है, स्टोरेज का है, नॉलेज, ये जनरल नॉलेज। तो ये सब बुक उसको मिला है और अच्छे से रखे, अब इसको जिल्द लगवा देना है। तो यहाँ पे हम लोग को, हम तो नहीं जा रहे हैं, ये तैयार हो गया है, अभी नहा नहीं है, अभी बाल कलर किया है, जा रहे हैं स्कूल। और यहाँ पे इसको मिला है, यहाँ पे मिला है कटर, रबड़, पेंसिल और स्केल। पूजा पट हो गया, और ये हेयर बैंड का देखो काकी है,
हेयर बैंड तीन टुकड़ा में रखिए तोड़ हेयर बैंड तो उसको हेयर बैंड अभी बाल कटवाना है आज वो दे काम के लिए पैंट नीचे से निकाल दो आप पैंट निकाल के यही कर दीजिए और कल बिस्कुट खाई थी ना हैं आज कुछ ले लेना ना ले लेना कुछ यहाँ से ठीक है वाटर बोतल भी बोले हैं पानी का एक बोतल ले लिया घर से मुँह में क्रीम लगा लो थोड़ा चाय पाउडर एक जन यहाँ प्रणाम कर रही है निकालो पैंट निकालो अच्छे पहनो जल्दी से बड़का पक लेट हो रहा है लेट हो गया सात दस हो गया है लेट हो रहा है हेलो माय यूट्यूब फैमिली आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है और आज 19 तारीख है तो आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार था कि मेरे शादी की सालगिरह पे हमको गिफ्ट क्या क्या मिला है वो आप लोग को दिखा रहे हैं और पार्टी हम लोग कहाँ किए थे वो भी बताएंगे आप लोग को तो बहुत लोग ने बोल रहा है कमेंट भी कर रहे हैं हमारे पर कि आंटी जी आप बताइए सचिन मनीषा वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं तो अपने अपने मन है जिसको जब मन करता है अपना काम करता है लो नहीं तो नहीं अपना स्कूल है तो आजकल स्कूल में सचिन थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है स्कूल के लेके तो इसीलिए वीडियो नहीं जा रहा है आप लोग को और मनीषा का थोड़ा सा है कि तू लो वीडियो बना के डालो बहुत लोग ने कॉल किया है हमको कि आप देखिएगा और उस दिन पार्टी के लिए हम लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए हम तो गाँव थे गांव से आए तो सोचे कि बच्चों के साथ अपना मनाएंगे चाहे घर हम तो अक्सर घर पे ही खाना पीना बनाते हैं और अपने हाथ से जो इनको पसंद है सचिन के पापा को खाना वो खाना बना के हम इनको खिलाते हैं उस दिन तो बेसन का सब्जी छनौरी चाहे जो इनको अच्छा लगता है वो खाना हम बना के खिलाते हैं और होटल का अथी का हमको नहीं था लेकिन इस बार हम सोचे थे कि मेरे दोनों बहू है दोनों बेटा है और हस्बैंड हैं हम हैं छः जन हैं लोग तो हम लोग जाएंगे ज़रूर उन लोग के लिए कि थोड़ा सा उन लोग भी खा पी लेगा बाहर तो अच्छा लगेगा क्या यही ना बात था यहाँ पर बैठे हैं तो अब लेके चलते हैं आप लोग को आगे कि उस दिन क्या हुआ कि हम लोग नहीं गए और सब कुछ रेडी होकर भी आप लोग मेरा साड़ी भी देखा था पिंक कलर का साड़ी जो हम छठ में चढ़ाया था वही साड़ी हम उस दिन पहने थे छठ माँ के कृपा आशीर्वाद के लिए कि मेरी तो माँ है नहीं नहीं सास है इस दुनिया में तो मेरा आशीर्वाद कोई देने वाला नहीं है मेरे हस्बैंड के अलावा और बहन लोग है तो उन लोग से भी हम उस दिन बात नहीं कर पाए चूँकि गाँव पर थोड़ा सा ज़्यादा हमारा ही हो गया था पूजा पाठ करने के लिए बनाना उनाना तो मंदिर गए मंदिर से पूजा पाठ करके आए फिर सिवान दौड़े आए लोग तो हम लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए होटल में लेकिन रामनवमी का जुलूस था उस दिन सिवान में इसके वजह से होटल सब बंद था और हम लोग को क्या हुआ कि देखते देखते 9 बज गया घर पे तो 9 बजे तक तो कोई दुकान ही नहीं खुला था उस दिन सब बंद हो गया था इसलिए ना हम केक काटे ना हमको कोई गिफ्ट मिला ना कुछ फिर आप लोग बोलिएगा ये गिफ्ट का लालची है लालची नहीं है हमारा हस्बैंड भी हमको एक फूल तक भी नहीं दिए तो यहाँ पर बैठे हैं वो भी सही है कि नहीं एक गुलाब का फूल तक नहीं दिए और एक गिफ्ट हमको मिला है जो यहाँ पे रखे हैं एक मेरे स्कूल में स्टाफ हैं पढ़ाती हैं ओ बेचारी बहुत प्यार से दुलार से ला के हमको दे गई हम हालांकि बोले कि इसका क्या ज़रूरत है क्यों लेके आई हैं और उनकी बहन हम लोग का फैन है तो वो लेके आई यहाँ पर ये है हम देखे नहीं हैं
देखिए यहाँ क्या नाम था उनका, चश्मा लगाएं पहले, अनीशा नाम है क्या, अंशु, अंशु नाम है उनका। तो ये लेके हमारे लिए आई हैं। अब इसमें क्या है वो आप लोगों के सामने हम ओपन कर रहे हैं इसको। और आप लोग एकदम कमेंट कर रहे थे कि आंटी जी आप अनबॉक्सिंग कीजिए गिफ्ट का, क्या मिला है आपको। तो यही मिला है, जो गिफ्ट मिला है यहाँ आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए ना इतना सारा क्यों आप ला के दी हैं भाई। तो ये अंकल जी के लिए लाई हैं पैंट शर्ट, और मेरे लिए ये चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, और यहाँ तक खूबसूरत सा साड़ी है। यहाँ देखिए कितना मस्त साड़ी है, गोल्डन कलर, बहुत सुंदर है, कुछ इस तरीके का है, लाखों में बहुत अच्छा है। आप ही एक गिफ्ट भी दिए हमको इसलिए मेरे लिए अनमोल है ये, और आप हमारे लिए कुछ सोच के भेजी है, तो बहुत जल्द इसको पहनेंगे। और बहुत अच्छा लगा यहाँ देखकर। और एक गिफ्ट आया है जो पूजा के तरफ से, वो गिफ्ट आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये हो गया, देखे वहाँ पे है, खोलिए मत। ये गिफ्ट पूजा भेजी है ऑनलाइन, लेकिन हम उसको माना भी किए क्यों भेजी हो, लेकिन अब चलिए देखा जाए इसमें है क्या। तो ये चीज़ पूजा के ब्लॉग में आप लोग को मिलेगा देखने के लिए कि इसमें क्या है। आप लोग पूजा के ब्लॉग जाके देखिएगा प्राचित वर्ल्ड, उसमें आप लोग को मिल जाएगा कि अपने पापा के लिए क्या गिफ्ट भेजी है। तो इसका अनबॉक्सिंग उसके चैनल में मिलेगा। चलिए वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिए। बस मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को प्यार की ज़रूरत है। और इसी तरह अपना आंटी को प्यार दीजिए, खूब भर भर के दीजिए। चलिए, आजकल वीडियो हमको बनाना पड़ रहा है, प्रिंस नहीं डाल रहा है इसके वजह से। तो कम से कम चैनल पे आप लोगों को बने रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं, और गुड नाइट, बाय बाय।